जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, भारतीय टीम जाने वाली है आयरलैंड के दौरे पर, जहां पर खेलेगी दो T20 मैचों का सीरीज। तो दोस्तों बता दें, इसके लिए भारतीय टीम का स्क्वाड भी घोषित हो गया है। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं भारतीय टीम का बेस्ट प्लेइंग 11 जो कि आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आने वाली है। तो दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें भारत और आयरलैंड के बीच होने वाला T20 मैचों का सीरीज का, तो दोस्तों बता दें कि पहला T20 मुकाबला जो कि खेला जाएगा 26 जून को, वहीं दोस्तों दूसरा T20 मुकाबला जो कि 28 जून को होगा। तो दोस्तों बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान इस दौरे पर रहने वाले हैं हार्दिक पांड्या। वहीं दोस्तों बता दें कि वाइस कैप्टन जो कि भारतीय टीम की इस दौरे पर रहने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों बात करें भारतीय टीम का बेस्ट प्लेइंग 11 का, तो दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से होगा। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन, या दोस्तों यह दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं आयरलैंड में भारतीय टीम के लिए। वहीं दोस्तों उसके बाद दोस्तों नजर आएंगे हमें सूर्य कुमार यादव, जहाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव वापसी करने वाले हैं भारतीय टीम में फिर से। उसके बाद दोस्तों संजू सैमसन जो कि विकेट कीपर भी होंगे भारतीय टीम के, हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन होंगे, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजेंद्र चहल और आवेश खान। जी हाँ दोस्तों, यह भारतीय टीम का बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है आयरलैंड के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा भारतीय टीम का प्रदर्शन आयरलैंड के खिलाफ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।